बिहार से जो ये आइडिया है चंपारण मीडिया बिहार का आइडिया है जी। पवन सिंह हमारे पटना में भी आवलन, अभी मनोज तिवारी हो गलन, रवि किशन भेल, ये लोग जे बा कि अभी 17 तारीख को फिर पटना में प्रोग्राम है। देखो सर साडा हांडी चिकन प्योर हांडी जो बनाई सरों के तेल दे विच मटका पंजाबी ढाबा वेज एंड नॉन वेज। हाँ जी बाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। तुहाडा शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम जगवीर सिंह है जी। अच्छा जी, तो मैनू अपने बारे कुछ दसो तो अपना मटका पंजाबी ढाबा। सारे नालों पहला तुम साढ़े को आए थोड़े वालों जी आया नू ते असी वीडियो का ये सिलसिला इदा ही चल रहा तो भाजी भी आए तो थोड़ा भी पूरा सहयोग है तो तुम देवे असे साडे प्यारे कस्टमर बहुत ही उम्मीदा लेके बड़े दूर दूर तो पहुँच रहे हैं साढ़े को पंचकूला चंडीगढ़ जीरकपुर पूरा पंजाब इतने आ चुके हैं जी। तो सारे का धन्यवाद जी बहुत बहुत इतने आने लई तो साढ़े ना जुड़े हो असी थोड़ी सेवा च हाजिर हाँ जी तो वधिया चीज़ साडा खिलाना फर्ज है जी तो असी खिलाते रहेंगे। तो साडा जो रेस्टोरेंट नेम हैगा मटका पंजाबी ढाबा हूँ दुनिया जान चुकी है इनू मटका पंजाबी ढाबा। इसका जो नाम है मटके से है एक अलग ही नाम है मटका इसके नाम से ही चलता आ रहा है जी। अब दुनिया जानने लगी है मटके को क्योंकि जो मटके की रियलिटी है वो पुरानी है जी हमारे सभ्याचार के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम चल रहे हैं इसके रिगार्डिंग तो हमारे पास जो जो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको हांडी चिकन मटन फिश अभी शुरू होने वाली है वेज नॉन वेज सारा है जी। ठीक है, जो भी खाएगा बंदा वो खुश होकर जाएगा जी। ठीक है, हमारा एक ही कर्म है कि हमने जो लोग आए उनको फुली सेटिस्फाइड करके भेजना है यहाँ से तो वो चल रहा है। तो सर भी आए हैं आज इनको भी हम ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी। ठीक है जी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है जो रिलेशन है वो ऐसे बिल्डअप होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करने के बाद ही आगे ही बंदा कामयाब होता है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आपका सर नाम? मेरा शुभ नाम हुआ सुदेश कुमार सहनी। अच्छा सहनी साहब जी। सहनी साहब आज आप हमें क्या दिखाएंगे बना के? आज मैं आपको हांडी चिकन स्पेशल बिहार का रेसिपी जो है हमार वो दिखाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें ये आपने पहले से ही रख लिया सारा मटीरियल? हाँ, पहले से जो है पहले चिकन को धो लेता हूँ अच्छे से। ठीक है जी, चिकन को अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसमें प्याज डालूँगा। ठीक है जी, इसमें प्याज डालूँगा। प्याज डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ये ले लूँगा मसाले, ये हो गया चिकन मसाले, ये कस्टर्ड पाउडर, ये चिली पाउडर, ये हल्दी, ये नमक साल्ट, इसको डाल के थोड़ा सा उबाल लूँगा सरसों का तेल। उसके बाद इसमें डालूँगा, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगा लहसुन का, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। बहुत कम मसाला लगता है, ये हमारे चंपारण का 2018 में मैं आपके पंजाब में आया था, बीच में लॉकडाउन लगने के कारण चला गया, फिर से आया हूँ, अभी बना के पूरे आपके पंजाब में खिला रहा हूँ। जो भी पंजाब का लोग खाते हैं। तो इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले अपने बिहार में मोतिहारी चंपारण, मेरा जिला चंपारण हो गया, सिटी मोतिहारी हो गया। अच्छा, वहाँ से सीखे आप? हाँ हाँ, बस स्टैंड के बगल में भी है मेरा चंपारण जयसवाल होटल, उसमें भी। अच्छा, इसको कितनी देर मसाज करनी पड़ती है? इसको पहले तो पूरा मिक्स करके अच्छा 30 मिनट तक छोड़ दिया जाता है ताकि पूरा खिल जाए, पूरा नमक मसाला जो भी है, बहुत कम मसाला इसमें डाला जाता है। अच्छा, उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद अब इसको मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगा, उसके बाद ये सारे जितना साबुत मसाले हैं, लौंग हो गए, छोटी इलायची हो गए, धनिया हो गया, बड़ी इलायची हो गई, लहसुन हो गया, जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गया, और ये दालचीनी हो गया, ये हो गया गोलकी जिसको काली मिर्च बोलते हैं, आई हो गया हमनी के तेजपाता, हमनी के तेजपाता लीची के तेजपाता होता है,
ये मैं डाल दे रही है। इसको डालने के बाद इसको अब इसको मैं इसमें डाल दूंगा। अच्छा, ये जो आपने अभी मुर्गे की मसाज की है, ये कितना किलो होगा? ये 1 kg है। अच्छा, ये 1 kg? हाँ, 1 kg। ओके, अच्छा ये 1 kg इसमें पूरा आ जाएगा? हाँ, पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा डाल दूंगा। 2013 में मोतिहारी में काम किया, उसके बाद 2018 में आया नाइस तक काम किया 1 साल के बाद। 2020 में तो आपका लॉकडाउन लग गया, तो फिर चला गया था। अभी फिर आया हूँ पंजाब आपके, फिर रेसिपी लेके आया हूँ अपना बिहार का, जो मोतिहारी ज़िला का रहने वाला। अब इसको हम ऐसे कर देंगे। ये आटा है, मैं इसलिए इसमें ताकि लगा रहा हूँ, जो भी गैस बनेगा वो गैस इसके अंदर रहेगा, तभी जाके मेरा चिकन पकेगा, तब जाके स्वादिष्ट हुई। इसको खोला नहीं जाता है, अच्छे से पूरा लगा दिया जाता है। हो गया, ये पैक हो गया, इसमें से एयर लीक नहीं होगा, जो भी गैस रहेगा इसके अंदर रहेगा। डन हो, डन। अब ये जाएगा, कोयले की आंच में, कोयले के भट्टी में। अब ये हो गया, अब 2 घंटे तक इसको सिर्फ हिलाते रहना। मुझे थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताएं, आपकी ये दिमाग में कैसे बात आई है मटका चिकन के बारे में? जे हांडी, हांडी चिकन के बारे में। फर्स्टली तो हम पढ़े लिखे हैं, बीटेक एमटेक जॉब करते थे, पहले वीडियो में मैंने बताया आपको प्रोफेसर थे, तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड था बिहार से, तो उन्होंने जब हमने रिज़ाइन डाल दिया कॉलेज में, तो उन्होंने सलाह किया हम बिहार के ये चीज़ लेके आने वाले, उन्होंने मेरे से डिस्कशन की, तो मैंने कहा कि हाँ ये चीज़ आनी चाहिए, तो मैं भी लग रहा कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसी के बिहार से जो ये आइडिया है चंपारण मीट, बिहार का आइडिया है जी, वहीं से हम लेके इधर आए हैं। और जब मैंने इसको, इन्होंने लोगों ने मुझे बना के बिहार वालों ने खिलाया, तो इतना मतलब कि अच्छा लगा, मैं रूटीन में इसको खाने लगा था, क्योंकि सरसों का तेल है, प्याज है, ये करते करते आप भी खाओगे, आप भी कहोगे हाँ ये बहुत ही प्योर खाना है जी, सिंपल सी बात, हर कोई इसको सिंपल कह लो, प्योर कह लो, हर कोई खुश होके खाएगा जी। ये आप दोपहर शाम जब मर्जी खाओ, खुश होके खाओगे जी। प्रॉपर इसमें ऐसा नहीं है कि रिफाइंड डालता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, प्रॉपर खड़े मसाले हैं, सरों का तेल, हर एक चीज़ का टेस्ट आता है इसमें। जो खाएंगे वो कस्टमर ही बताते हैं, अभी आज सारा आपको दिखाएंगे वीडियो, सारा आए हुए हैं, अंदर से कमेंट भी मिलेंगे, एक ऐसा रिव्यू हमारा चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ ऐसी करते सर, ये बिहार से कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। मैंने देखा वो उम्र में और इतना हाइट में बड़े छोटे से थे आपके शेफ, लेकिन काम में बड़े मास्टर हैं। काम में सर मैं कह रहा हूँ सर, ये हमारे पास 2018 में आए थे पहले। अच्छा, उस टाइम हमारे पास 4 कुक थे, तो 4 कुक के बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर ये सारा सिस्टम हिलाना पड़ा, तो चले गए। अब जो हौली हौली वापस आने लगे हैं, तो हम इसको वहीं पे ले जाएंगे, बिल्डअप कर देंगे, क्योंकि जो ये कला इनके पास है ना, बिहार के लोगों के पास चंपारण की जो कला है, बहुत ही बढ़िया कला है जी। बिल्कुल जी, ठीक है। आप जितने भी लोगों को ये मैसेज जा रहा है, तो आप एक बार जरूर खाना इधर आके, क्योंकि जब खाओगे पता चलेगा ये चीज़ है क्या। अच्छा, मुझे आप अपने रेस्टोरेंट, अपने पंजाबी मटका ढाबे की थोड़ी सी लोकेशन बताएं, ये कहाँ से आपका, किसी ने आना हो यहाँ पे तो उसको लोकेशन ईजी रहे, क्योंकि हमारे पास ये पहली वीडियो में भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, जो लोग आ रहे थे उनको दिक्कत आ रही थी। सबसे पहले आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि यही चीज़ होती है, जब लोग सर्च करते वीडियो देखते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे है, ये नहीं पता लग पाता लोगों को। अभी तक हमारी जो जहाँ पे कमी है वो इस चीज़ की है, क्योंकि ये है सिविल हॉस्पिटल रोड, ये खरड़ है, खरड़ में सिविल हॉस्पिटल रोड है जी, सामने गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उसके साथ में ही हमारा छोटा सा मटका पंजाबी ढाबा है जी, ठीक है। वहाँ आपने आना है, ठीक है। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं पूरा पंजाब, चंडीगढ़, जीरकपुर, डेरा बस्ता के होम डिलीवरी होने लगी है जी, ठीक है। वो हमारा, आप जो आप कहोगे हाँ डेरा बसी पहुँचानी है, तो हम हांडी एज इट आपकी डेरा बसी पहुँच जाएगी, 4 किलो 5 किलो जितना भी चाहिए होगा वहाँ पे पहुँचा देंगे जी। और कोई जोमेटो स्विगी में भी आपका है कॉन्टैक्ट? स्विगी में बंद कर दिया जी, उबर में भी बंद कर दिया, अब जोमेटो पे चल रहा है। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारे काफ़ी कस्टमर पुराने थे जो वो जुड़ रहे हैं इसके साथ। बिल्कुल, ठीक है। बाकी उन्होंने लाइव ला रखा, लाइव का जो स्वाद है वो लाइव ही है, हर कोई लाइव आके फीडबैक दे सकता है। मैंने अभी देखा होली होली, हमारा कंसेप्ट सबसे अलग है जी, लोग किचन पीछे रखते हैं, हमारी किचन लाइव है जी, ये सबसे बड़ी टास्क है। लाइव किचन देना किसी को भी बड़े मुश्किल की बात है, पर लाइव किचन
हर कोई देखता है और खाता है सर। मेन बात की टेस्ट की है। हाँ, मेन टेस्ट अच्छा होगा तो दूर दूर से आएंगे, हर जगह से आएंगे। आएंगे ठीक है, ऐसा नहीं कहते कि हमारा टेस्ट बहुत बढ़िया है, 10% कमी हो जाती है, कभी नून मिर्च कम हो जाता है, ठीक है, पर हमारी जो ज़्यादा कोशिश है कि बढ़िया खाना खिलाना। बिल्कुल जी, ये चलता रहता है, पर हमारी जो कोशिश रहेगी वो बढ़िया खाना ही मिलेगा। हमें कस्टमर फीडबैक दे के जाते हैं, सर ऐसा नहीं है, पहले 3 किलो की आप 1 किलो की बनाओ हांडी। अच्छा, तो हम वो भी हांडियाँ लेके आए हैं आज, 100 हांडियाँ हमने 1-1 किलो की भी बना लिया, ताकि जो कस्टमर के फीडबैक आ रहे हैं उनको भी हम साथ के साथ इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो अगली बार देखेंगे हाँ इन्होंने फीडबैक में काम किया। बिल्कुल जी, मैंने देखा आपके स्टोर में काफ़ी हांडियाँ। हाँ, पीछे बहुत सारी हांडियाँ हमने एडवांस में रखी हुई हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ, हाँ सर्दी आने वाली है, उसकी तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और फिश का भी आपका? हाँ जी, फिश का हमारी तंदूरी फिश लगेगी यहाँ पे, ठीक है, तवा फिश लगेगी, क्रंची लगेगी और पकौड़ा, ये 4 तरह की फिश आएगी, उसमें सिंगाड़ा और मल्ली फिश देंगे हम। मटन और चिकन तो हमारा है ही सर फेमस, और वेज भी हमने लगा रखा है, और जो हमारी टाइमिंग है सर वो सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे की है। जी दोबारा मैं बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे की इस टाइमिंग में आपने आना सर। और तंदूर में और क्या क्या बनता है? तंदूर में हमारा सर सारे नान है, आटे की रोटी, जो जहाँ पे हम देखते हैं ना सर, कहीं भी जाते हैं वहाँ हमें, हम मैं खुद भी जाता हूँ, आप भी जाते हो, रोटी आपको मैदे की मिलेगी। मैं गाँव से हूँ, ठीक है, हमारी कणक भी लगती है, तो मैं सारा गाँव से लेके आता हूँ कणक, सारे आटा पीछे ले आकर रखा। मैंने कहा रोटी जो देनी है वो आटे की देनी है, चाहे नान है चाहे लच्छा परांठा है, वो आटे का ही देना, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। लोग जब खाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ रोटी। बिल्कुल, ठीक है, रोटी जो आटा आ गया ना सर तो सारे खुश होके खाएंगे। बिल्कुल, तो इसमें हमारी तंदूर में सारी रोटी लगाते हैं हम, ठीक है, इसमें सारी रोटी लगती है, इसमें तंदूरी चिकन लगता है, फिश भी लगती है सर। ओके, हाँ इसमें लगेगी, ये सारा हमारा तंदूर का कंसेप्ट है। उसके आगे 2 चूल्हे हमारे, ठीक है, उनमें वेज अलग बनता है जी, ये हमारा नॉन वेज का अलग है सर। कई लोग सोचते हैं कि शायद मिक्स, नहीं मिक्स का काम नहीं है यहाँ पे, जो हमारा चिकन मटन हमने दे दिया वो हांडी में दे दिया, और वेज का हमारे जो चूल्हे हैं वो लग गए, ठीक है, वेज में सब्जियाँ बनती हैं रोज, परौंठे हैं, छोले भटूरे हैं, वो लग सब चल रहा है। मैंने देखा अभी होली होली धीरे धीरे रश बढ़ता जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ अंदर भी थोड़े आपके जो कस्टमर हैं उनसे थोड़ा सा। जरूर जरूर सर, व्यू आप जरूर लें हमारे कस्टमर से। ठीक है, हाँ जी, मैं पहले से हांडी बना रखा हूँ, और इसमें है कि पानी वानी नहीं दिया जाता, सिर्फ ऑयल डाला जाता, तेल सरसों का तेल डालते हैं, और उसके बाद इसको बार बार हर एक 10 मिनट के बाद हिलावल जाला। अब इसको जो है हम लोग इसको हिलाते हैं बढ़िया से, उसके बाद देखिए मैं पहले से ही बना रखा हूँ, ये देखिए ये मटन हो गया है। अच्छा, ये मटन है? हाँ मटन है। ठीक है जी, और इसे कितने घंटे लगते हैं पकने में? इसको 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे कोयले की आँच पे? कोयले का धीमी आँच पे इसको सिर्फ हिलाया जाता है, इसको पैक रहता है। अभी मैंने आपके सामने ही खोला हूँ, आपने देखा होगा। बिल्कुल जी, गुड। हाँ जी सर, महिला जी 2 मिनट तो हमने डिस्टर्ब करेंगे, ये तुम इतने कितने टाइम तो आ रहे सर? भाजी अपन हो गए, टाइम बहुता नहीं होया, पर दूसरी वारी आए हैं, पर पहला अगर पता होंदा ना तो फिर आप पहला तो आते वधिया, इन्हां दा खाना लग्या, रोटी बड़ी वधिया हैगी आ, देखो प्योर आटे की रोटी है, मैदा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो नॉर्मल कितने भी खान जाओ ना तो मैदा मिक्स होंदा। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्योर आटा लग रहा, सापरा चल रहा है, ब्राउन कलर की रोटी है, बाकी चिकन तो वधिया है ही है। आ देखो सर, साडा हांडी चिकन प्योर हांडी च बनाई सरों के तेल दे विच, मतलब कि साढ़े एक रैगूलर कस्टमर ने कही इदा जो खा रहे हैं रोज़ इस चीज़ को खा के, कोई उन्होंने बीमारी नहीं, कोई सानू वधिया जी, ये हर एक खाना चाहिए जी, अंदर जा सर वाले जा रहे। हाँ जी, सुदीश कुमार सहानी जी, आप ये बताएं कि आपने ये रेसिपी शुरू कैसे करी? बिहार से तो आपको तो पता था इस रेसिपी का, लेकिन यहाँ के लोकल लोग, पंजाब जो खरड़ के लोग हैं, इनको कैसे आपने बताया? मैं जब पहली बार जो पंजाब में मैं आया तो अपना मटका रेसिपी देखा, तो लोग आके धीरे धीरे मतलब कि देख रहे थे, और आके देख रहे थे आखिर चीज़ है क्या, कहाँ से आया, हमसे बहुत पूछे क्वेश्चन किए कैसे बनाते हो नहीं बनाते हो, तो हम उसको बताएं कि से नहीं आप एक बार देख लो, एक बार मेरे रेसिपी को टेस्ट करो, मेरे ऊना मटन को चिकन को टेस्ट करके देखो भाई, उसके बाद आप हमसे। हाँ, मैंने देखा है मटका कुल्फी सुना हुआ है, काफ़ी पुराना, और मटका काफ़ी और भी आइटम सुनी है, लेकिन मटका चिकन, मटका मटन, ये हांडी, हांडी जिसको आप बोलते हैं बिहार में,
तो ये मैंने पहली बार यहाँ पे देखा। जैसे बिहार में जो बा हमनी के बिहार में जो खेला कि से मटका ना बोली ले ओकरा के हमनी हंडी कहले भौना कहले। हाँ भोजपुरी। वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भोजपुरी बहुत अच्छा लैंग्वेज है भाषा बहुत। हमनी ओकरा के मगर अहुना कहले और हंडी कहले मटका ना कहले। पंजाब में मटका लोग समझता है इसलिए उन लोगों को मटका बोला जाता है। गुड बहुत बढ़िया। और आप अपने काम में मास्टर हैं। हाँ, मास्टर और हमने मैंने देख लिया आपके काम करने के तरीके से मैंने देख लिया आप अपने काम में मास्टर हैं। एक और बात बताएं। हाँ, रोज़ का आप कितना चिकन कितना मटन बन जाता है आप? 25 केजी 25 30 मटन। अच्छा। और 35-40 वो आपका चिकन बना देते हैं। अच्छा। यहाँ पे सुबह से मैं जब उठता हूँ मैं इसका तैयारी करता हूँ। रॉ मटेरियल जो भी तैयारी करना रहता है उसका तैयारी करता हूँ। भट्टी में आग लगा कर तैयारी करता हूँ। सुबह से जब मैं हंडिया चढ़ाना चालू करता हूँ तो रात को 10 बजे तक बनाता ही रहता हूँ। हाँ जी भाई साहब आप ये क्या बना रहे हैं? चिल्ली पनीर बना रहे हैं सर। हमारे यहाँ दोनों बनते हैं नॉन वेज भी वेज भी। गुड डेली गुड बहुत बढ़िया। ला भैया वाह जी वाह मुँह में पानी आ रहा बहुत बढ़िया। एक बार खा के देखो कैसा लगा इतना मैं आपको। वाह जी वाह ये आपके हाथ का मेरे हाथ का मोतिया। हाँ मोतिहारी जिला के बा जब फर्स्ट बार जब बनैले रही ना मतलब किसे हंडी जब पंजाब में लिए बनावे तो दूर दूर से लोग आवे देखे एक के खाए खातिर भाई है का चीज का हम देख रख लोग ओकरा पर बहुत सारा कस्टमर आए पंजाब में जो होता है कि बहुत सारा हमारे तरफ है कि ड्राई खाता है हमारे बिहार में हमारे मोतिहारी में ड्राई खाई ड्राई खाता है। हाँ मगर पंजाब में लोग खोता है ग्रेवी। ग्रेवी चाहिए तरी चाहिए तरी चाहिए वो भी सरसों का इसमें तो पानी डालता नहीं हूँ तो तरी आएगा क्या जो प्याज का ग्रेवी रहता है जो प्याज का मात्रा ज़्यादा डालूंगा तो ग्रेवी ज़्यादा होगा प्याज की मात्रा कम करूंगा तो प्याज कम हो जाए। तो ये आप टेस्ट करते रहते हैं खाते रहते हैं तो फिर सेहत क्यों नहीं बना मेरा? अब क्या बात है तो हम लोग रोज थोड़ी मतलब किसी थोड़ा सा ऐसे ही बना बना के हम लोग का पेट भर जाता है मगर दिन में एक आध पीस रोज खाते रहते हैं। अच्छा चलो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ये ना इसको कम और रही बात की सेहत तो जो भी आदमी है हमारे बिहार में मटन चिकन खाने वाला है सब हमारे बिहार चंपारण जिला में सबसे ज़्यादा खपत होती है मटन प्रतिदिन कम से कम 10 टन तो आराम से खत्म होता है। अच्छा मटन। अच्छा 10 टन लेकिन वो उनका काम हार्ड वर्किंग होते हैं तो वो पतले रहते हैं। हमारे बिहार में जितना भी लोग हैं बहुत कम है 10% के लोग हैं जो मोटा होता है बाकी सब ठीक है जी। चलो ये ना इतना तो मैं खा नहीं पाऊंगा इसको थोड़ा कम कर लो जी कम कर देता हूँ। कीजिए भैया टेस्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे आपका हाथ का बनाया इतने प्यार से। हाँ जरूर हम जरूर। ये तो बड़ा कैसा लग रहा है? सॉफ्ट है कि नहीं? बहुत बढ़िया जी सॉफ्ट भी है और जो आपने खड़े मसाले डाले हैं मैं कह रहा हूँ इसमें एक एक चीज़ का पता लग रहा है खड़े मसालों का यही तो खासियत है। और ये जो इसमें हांडी में जो आपने बनाया इसका भी टेस्ट आ रहा है मिट्टी का उसका आ रहा है अच्छा लग रहा है सुगंध आ रहा है बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊँ ये मैंने पहली बार टेस्ट किया इससे पहले मैंने कभी हांडी मटन नहीं खाया। अभी कैसा लग रहा है? हांडी चिकन नहीं खाया बहुत बढ़िया। चलिए आते रहिएगा। आपने इतने प्यार से बनाया हमें बहुत अच्छा लगा और आप इंसान भी बहुत बढ़िया हंसमुख खुश मिसाल है। वो तो मैं शुरू से हूँ शुरू से मैं बिहार में मैं रात में मैं किसी से भी फ़ोन पर बात करता हूँ वीडियो कॉल करूँ या ऑडियो कॉल करूँ एनी टाइम हंसता रहा। अच्छा गर्लफ्रेंड से? गर्लफ्रेंड रात को तो बात होता ना नहीं दोस्तों लोग से। अच्छा, गर्लफ्रेंड थी मेरा भी एक गर्लफ्रेंड है। अच्छा अच्छा गुड गुड मैं बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। अच्छा गुड यानी कि वो है दोनों साइड से बराबर है। हाँ तो यानी कि शादी विवाह तक बात चल गया बहुत फिर तो बहुत बढ़िया। भोजपुरी में क्या बोलेंगे सो बढ़िया उमदा को? उमदा का बहुत बढ़िया भेल बा भोजपुरी में हमने एक बड़ी बढ़िया बनल बा टेस्ट अच्छा लगा था। अच्छा तो एक 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 वर्ड बताओ जो मैं बोल सकूँ जो मैं मुझे आसानी हो बोलने में। बढ़िया लगा था। बढ़िया लागत बा? हाँ लगा था बहुत बढ़िया लगा था शानदार।